चिड़ावा में गर्मी से पहले गहराया पेयजल संकट। चिड़ावा के चार वार्डों में एक माह से पेयजल का संकट। बाढ़ के महिलाओं ने जलदाय विभाग में किया मटका फोड़ प्रदर्शन। बाढ़ के बाद शिंदों ने कहा स्थानीय लोगों ने स्वयं के खर्च से करवाया काम। अब ट्यूबवेल हुई ड्राई तो कैसे मिले बाढ़ के वाशिंदों को पानी। बाढ़ के वाशिंदों ने कहा कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो करेंगे तालाबंदी। चिड़ावा कस्बे में गर्मी से पहले से जलदाय विभाग के दावों की पोल खुल गई है। चिड़ावा के चार वार्डों में बीते एक माह से जल पेय संकट गहराया हुआ है। आज पेय जल संकट का सामना कर रहे वार्ड संख्या चार पाँच छह सात के वाशिंदों का धैर्य जवाब दे गया। पेयजल संकट की समस्या के समाधान को लेकर चार वार्डों के वार्डवासी चिड़ावा जलदाय विभाग कार्यालय में पहुंचे और जलदाय विभाग के अधिकारियों समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए खरी खोटी सुनाई। वार्ड की महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय में मटका फोड़ प्रदर्शन किया। वार्ड के लोगों ने बताया कि पेयजल संकट के चलते चार वार्डों के वाशिंदे परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने स्वयं के खर्चे से 2 लाख का काम करवाया मगर अब वार्डों में पेयजल की हालत विकट है। रात को जाकर पानी को लेकर दूसरे वार्डों से व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर जल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जलदाय विभाग पर तालाबंदी कर पानी की मांग की जाएगी। वार्ड नंबर 4 में से मेरी धर्मपत्नी पार्षद है और काफी दिनों से है। वार्ड में इतनी समस्या आ रही है पानी की, एक महीने से हम चक्कर लगा रहे हैं। पड़ोस का वार्ड नंबर 5 है, उसमें भी पानी नहीं है। उसकी जनता भी आज इकट्ठी होकर आई है। घर के अंदर चढ़ू करने के लिए भी पानी नहीं है। वार्ड नंबर 6 के नागरिक भी यहाँ शामिल है, 7 के भी हैं। सभी लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। वाटर बक्स में आते हैं आई एन साहब कहते हैं कि आपके पानी आता है। अब आई एन साहब जयन दोनों जाके जयन ने अपने उन मांदा सही राम को भेजा था, इन्होंने चेक किया तो उस कुएं में पानी नहीं है। तोड़ तोड़ के पानी आता है, कहाँ देगा वो 500 घरों को पानी। हमारा कुआ जिसमें पानी था वो कुआ ड्राई हो गया, टूट के उसकी वो मोटर अंदर गिर गई। हमने 10 बार प्रयास किया, प्राइवेट मशीन ला के पैसे उगा के चंदे से, वो मशीन नहीं निकली। उसके बारे में हमने कहा कि ड्राई के एवेज में कुआ भेज दिया है। 2 साल हो गई, सरकार पलट गई लेकिन इस वाटर वर्क से वो कुआ नहीं बना। कांग्रेस से बीजेपी आ गई। ये जनता पानी के लिए प्रयास करने के लिए कमी नहीं छोड़ी है। जनता ने चंदा उगाकर अपने पैसों से 2 लाख रुपए से कुआ पास में करवाया। वो कुआ भी किस्मत ऐसी माड़ी ही कि वो कुआ भी सूखा निकल गया। क्या करें, पानी है ही नहीं पीने के लिए। अधिकारियों का कहना है कि पानी आता है, चेक किया अधिकारियों ने। अधिकारी बार बार में चक्कर लगाते हैं, आज मोटर भेज देंगे, आज फलानी चीज भेज देंगे। आज हमारा कर्मचारी जा रहा है, छोटा सा भी काम करना पड़ता है, एक वायर भी लाना पड़ता है, फ्यूज उड़ गया तो भी मैं बाजार से मोल लेके आता हूँ। 20 साल तक मैंने जनता को पानी पिलाया है, वो कुएं में पानी बहुत था, इनका कोई भी कर्मचारी नहीं जाता था। मैं प्राइवेट से ठीक करवाता था, उसके फ्यूज बंधवाता था। एक बार किटावट जल गई तो किटावट भी हम लेके आए, पैनल की हम व्यवस्था करते हैं, हर चीज़ की हम व्यवस्था करते हैं। लेकिन अब हम व्यवस्था कर करके छिक लिए, वहाँ पानी नहीं है। अब काम रह गया मोटा, 1000 का 2000 का 5000 का 10000 का 20000 का जनता करवा लेती है वहाँ पे। अब 2 लाख का भी करवाया है लेकिन पानी नहीं मिला। अब जनता इकट्ठी होकर वाटर वर्क्स में आई है, या तो हमारे को पानी दो, यही वाटर वर्क्स के ताड़ा लगाएंगे या मरेंगे या मारेंगे। पानी के बगैर भी मरेंगे तो वैसे भी मर जाएंगे। इसलिए मैं इस जनता का पाँच साल से मेरी धर्मपत्नी पार्षद है, उससे पहले भी रही है, मैं खुद रहा हूँ पार्षद, मेरा बेटा भी रहा है। हमने जितना भी हुआ, जितना हमने चंदा उगा के हमारे पैसे से कैसे भी हमने पूरा पानी के लिए सहयोग किया है। आज भी मैं वाटर वर्क्स में कह के जा रहा हूँ कि आप नया कुआ करवाओ, मैं 51,000 रुपये दे दूंगा, 1 लाख रुपये दे दूंगा, वाटर वर्क्स करवाओ का पैसे ले लो। लेकिन ये वादो कर्मचारी वो इधर हंस रहा है, आईएन कुर्सी छोड़ के भाग जाता है, आईएन फोन नहीं उठाता है। क्या करें, सरकार के आगे हम तो पानी के लिए झुक रहे हैं, वैसे झुकने वाले तो नहीं है लेकिन पानी के लिए झुक रहे हैं। 10-10 लाख का काम है, कहां से कराएगी गरीब जनता। हमारा वार्ड कोई सेठ साहूकारों का थोड़ी है, एससी का वार्ड है, गरीब जनता यहाँ बसती है। पानी के लिए रात को भटकते हैं, 2-2, 3-3 बजे 4-4 बजे दिन के अंदर भागे रहते हैं, रेडियो पे पानी लाते हैं, गधा रेडियो पे पानी लेके आते हैं। क्या करे, आईएन जयन बदल गए, जयन भी बदल गया, स्टेटमेंट बनाता बनाता जयन भी बदल गया, वो कुआ नहीं बना उसके एवरेज में।
क्या अगर एक कुआं हमारे मोहल्ले में है उसकी डायरेक्ट जिसमें पानी है हमने प्रयासों से करवाया था उसको डायरेक्ट टंकी में जोड़ दिया, तो दूसरा वार्ड को पानी दिया। उस टाइम भी हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये वार्ड लगा दो, एक घंटा हमारी लाइनों में पानी दे दो, बाकी टंकी में ले जाओ, लेकिन बिल्कुल नहीं मानते अधिकारी। पुलिस रिपोर्ट कर देंगे, दर्ज करवा देंगे, वो करा देंगे। अब मैं इनके ऑफिस में कह के जाता हूँ, चाहे पुलिस रिपोर्ट करो और चाहे एसपी को ले आओ और चाहे पुलिस को ले आओ, पूरा प्रशासन आ जाना, मरेंगे और मारेंगे। उस लाइन को भी नहीं पानी मिलेगा तो या तो हमारी पांच दिन व्यवस्था उठ जानी चाहिए, नहीं उस लाइन को भी तोड़ेंगे और पानी पिएंगे हम। ये हमारे प्रयासों से कुआं बना और ये वाटर वर्क्स में बैठे हैं, ये यहाँ पे दांत निकालते हैं। मैं कहता हूँ आप जनता के नौकर हो, जनता का काम करो, आप हमारे भाई बंद हो, हमारे में से ही हो। आप हमारी माता बहने बाहर को पानी लाने के लिए तड़पती रहती है, तावड़ी में रात को भागती है, किधर भागती है, तो आपकी भी माँ बहन है, आप भी नहीं, हमारे भाई तो बैठे हैं। अधिकारी मिलते हैं क्या? अधिकारी नहीं मिलते हैं, अधिकारी मिलते के फोन भी नहीं उठाते अधिकारी। निकम्मे अधिकारी हैं, निकम्मे। ये देखो ये भाई साहब मेरे वार्ड के निकम्मे अधिकारी हैं, आठ दस के हैं। मैं कहता हूँ किस ऑफिस के मजबूर हो गए, हमारे को ताला लगाना पड़ेगा। हम डरने वाले नहीं है, सरकार जनता की है, हम जनता की, हम सरकार हम बनाते हैं, जनता को सरकार नहीं बनाती है, जनता सरकार को बनाती है, सरकार को चिता देते हैं। या तो हमारा 10 दिन में पानी गया सोल्यूशन निकल जाना चाहिए, या मरेंगे या मारेंगे और इस ऑफिस के ताला लगाएंगे।